स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन अवर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम मैथमेटिक्स में आपको वक्रीकोण विधि पढ़ाने वाले हैं। पिछली वीडियोज में आपने दो चरों वाले रैखिक समीकरणों के प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और तुलनात्मक विधियों का अध्ययन किया था। आज यहाँ पे हम वक्रीकोण विधि का अध्ययन करेंगे। यहाँ पे ये दो इक्वेशन लिखे हुए हैं, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है इक्वेशन का। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 एंड सेकंड इक्वेशन का होता है a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। अगर हम बात करें फर्स्ट इक्वेशन की, तो फर्स्ट इक्वेशन में a1x का गुणांक होता है, b1y का गुणांक और c1 हमारा अचर पद होता है। दूसरी इक्वेशन के लिए हम इन्हीं में a2, b2, c2 इस प्रकार से लिख लेते हैं। अब देखिए, वक्रीकोण विधि में क्या होता है, यहाँ पे हम x के कोफिशियंट है हमारे a1 और a2, y के कोफिशियंट लिख देते हैं b1, b2 और अचर पद जो है हमारा ये हो गया आपका c1, c2। जब हम x की वैल्यू निकाल रहे होते हैं, तो x की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, तो इसको छोड़ देते हैं और इसको छोड़ देते हैं। इन दोनों को छोड़ देंगे तो x के लिए हमारा ये बचता है, ये वाला पार्ट्स। या हम लिख सकते हैं x अपॉन ये आएगा हमारा b1 b2 c1 c2। जब हम y के लिए लेते हैं, तो इस पार्ट्स को छोड़ देंगे और इस पार्ट्स को छोड़ देंगे, तो क्या रह जाएगा a1 c1 a2 c2 और अचर पद के लिए यहाँ हम 1 ले लेते हैं, तो अचर पद के लिए ये 0 हो जाएगा और ये 0। तो यहाँ बचेंगे a1 a2 b1 b2 a1 a2 b1 b2 क्रॉस मल्टीप्लाई वक्रीकोण, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, कैंची मार गुणा जिसको हम बोलते हैं हम भाषा में, x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू y अपॉन, यहाँ पे हम इस तरफ लेते हैं a2 c1 माइनस a1 c2 c2 a1 एंड 1 अपॉन a1 b2 माइनस b1। ये हमारा जो स्टेप है, इसको कहते हैं वक्रीकोण या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे हम क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों टर्म्स को इक्वल रख देते हैं, एक्स अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस b1 c2। इस वैल्यू को जब हम दूसरी तरफ ट्रांसफर करेंगे, तो उधर डिवाइड हो रहा है, उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा b1 c2 माइनस c2 b1 b1 c2 माइनस c1 b2 अपॉन a1 b2 माइनस b1 a2। y की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों को इक्वल रखते हैं, y अपॉन a2 c1 माइनस c2 a1 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस b1 a2 या y इज इक्वल टू a2 c1 माइनस c2 a1 अपॉन a1 b2 माइनस b1 a2। तो ये हमारी x की वैल्यू फाइंड हो जाती है, यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हमारी y की वैल्यू फाइंड हो जाती है। ये हमारे फॉर्मूलाज हो गए जिनका हमें इस मेथड में यूज करना है। हमको इस मेथड में सिंपली करना क्या है, कि जो भी इक्वेशंस दी हुई हैं, फर्स्ट इक्वेशन को इससे कंपैरिजन कर देंगे,
सेकंड इक्वेशन को इससे कंपैरिजन कर देंगे, जिससे हमारे a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की वैल्यू हमें फाइंड हो जाएंगी, और इन वैल्यूज को हम इन फॉर्मूलाज में पुट कर देंगे, जिससे हमारे x और y इन दोनों की वैल्यू फाइंड हो जाएंगी। तो यहाँ पे मैंने दोनों फॉर्मूले लिख दिए हैं, दोनों फॉर्मूलाज, इन फॉर्मूलाज का उपयोग करके हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हम एक एग्जांपल्स ले लेते हैं। यहाँ हमने एक एग्जांपल्स ले लिया, यहाँ हमें दो इक्वेशंस दी हुई हैं, 2x plus 3y is equal to 12 and 5x minus 4y is equal to 7। इसे सॉल्व करना है हमको और हमें x y की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, मैंने जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपको बताया है ये वाला, इसमें इक्वल्स टू में जो हमारा वो जीरो है, कोई भी अदर नंबर नहीं है। जो हमारा अचर पद था कॉन्स्टेंट, वो कॉन्स्टेंट हमारा LHS साइड में है, ना कि RHS साइड में। और यहाँ पे जो तो हमें इक्वेशंस दी हुई हैं, इनमें जो हमारा कॉन्स्टेंट वैल्यू है वो इक्वल टू में दी हुई है। तो हमें सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि इन वैल्यूज को हम इक्वल्स टू के इधर लेफ्ट साइड में LHS साइड में लेके आएँ, जिससे कि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट बन सके। तो उसके लिए हम कर लेते हैं, इनको उधर ट्रांसफ़र कर लेंगे, 2x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल जीरो। ये हमारा आ गया इक्वेशन फर्स्ट। अब इस फर्स्ट इक्वेशन ऐसे सेकंड इक्वेशन को भी ट्रांसफ़र कर लेंगे, 7 इधर माइनस में आ जाएगा, इक्वल्स टू में जीरो हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 5x माइनस 4y माइनस 7 इज इक्वल्स टू जीरो। ये आ गया हमारा सेकंड। अब जैसा कि मैंने बताया था, जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट से हम इसकी कंपैरिजन कर देंगे। अगर फर्स्ट इक्वेशन की जो कंपैरिजन करनी है वो हमें किससे करनी है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू जीरो, इससे हम इसकी तुलना कर देंगे, कंपैरिजन कर देंगे। तो जब हम इससे इसका कंपैरिजन कराएंगे, हम देखें तो यहाँ पे हमारा a1 दिया हुआ है x का गुणांक, और यहाँ पे जो x का कोफिशियंट है वो है हमारा 2। तो a1 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2। यहाँ पे y का गुणांक है b1 और यहाँ पे 3, तो b1 इज इक्वल टू हो गया 3। यहाँ पे c1 है कॉन्स्टेंट और यहाँ है हमारा -12, तो c इज इक्वल टू -12। साइन साथ में लिखते हैं अगर नेगेटिव नंबर्स हो तो। इसी प्रकार हम समीकरण 2 की तुलना किससे कर देंगे, a2x plus b2y plus c2 बराबर 0 से। इसी प्रकार समीकरण 2 से तुलना कर दें हम, तो a2 is equal to आ जाएगा हमारा 5, b2 is equal to हो जाएगा -4 एंड c2 is equal to हो जाएगा -7। ये हमारे a1, b1, c1, a2, b2, c2, इनकी वैल्यूज हमने इस प्रकार से फाइंड कर लेते हैं। अब इन वैल्यूज को फाइंड करने के बाद हमको क्या करना होता है, इन फॉर्मूलाज का यूज करना होता है। x की वैल्यू निकालने के लिए इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, y की वैल्यू निकालने के लिए इसका यूज करेंगे। तो हम पहले x वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, x इज इक्वल्स टू b1 c2। आप इन फॉर्मूला को याद कर सकते हैं, या फिर जो अभी मैंने मेथड बताया था फॉर्मूला बनाने का, उससे बना भी सकते हैं। तो यहाँ याद है तो ज़्यादा बेहतर है, सॉल्व हो जाएगा हमारा। तो हमने फॉर्मूला लिख दिया, b1 c2 माइनस c1 b2 अपॉन a1 b2 माइनस b1 a2। अब यहाँ पे हमें सिंपली क्या करना है, a1 b1 और c1 a2 b2 c2 इनकी जो वैल्यू है वो इसमें पुट करनी है बस, और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। वैल्यू पुट कर देते हैं, x इज इक्वल टू b1, b1 की वैल्यू क्या है हमारी 3, इंटू c2 की वैल्यू क्या है, c2 की वैल्यू हमारी -12, तो -12 साइन साथ में लेंगे, यहाँ माइनस लगा हुआ है माइनस लगा देंगे। c1 की वैल्यू कितनी है हमारी, सॉरी अब इसमें हम क्या करना है, a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू पुट कर देनी है, यहाँ वैल्यू पुट कर दी मैंने, b1 की वैल्यू देखो क्या है 3, यहाँ b1 की जगह पर 3 पुट कर दिया। उसके बाद c2 की वैल्यू क्या है -7, यहाँ -7 पुट कर दिया, यहाँ माइनस है माइनस लगा दिया,
C1, C1 की वैल्यू क्या है, -12, तो यहाँ -12 रख दिए। उसके बाद क्या है B2, B2 की वैल्यू क्या है हमारी -4, या -4 रख दी। अकाउंट में A1, A1 की वैल्यू 2, या 2 रख दी। B2, B2 की वैल्यू -4, या -4 वैल्यू रख दी, माइनस लगा दिया। उसके बाद है B1, A2, B1 की वैल्यू 3, A2 की वैल्यू 5, ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। इनका मल्टीप्लाई किया 3 7 या 21, माइनस का 21 आ जाएगा, यहाँ रख दिया हमने माइनस का 21। उसके बाद माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से किया, प्लस हो गया, और उस प्लस का मल्टीप्लाई हम माइनस से करेंगे तो माइनस आ जाएगा 12 4 जा 48, तो यहाँ आ गया -48। नीचे आ जाते हैं, 2 का मल्टीप्लाई अगर -4 से करेंगे तो 4 2 जा 8, -8 आ जाएगा, यहाँ हमने -8 पुट कर दिया। और 3 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो -15, यहाँ आ गया -15। ऊपर वाले नंबर्स को ऐड कर देंगे, 21 और 48 को ऐड करेंगे 69 हो जाएगा, 8 और 15 को ऐड करेंगे तो 23 हो जाएगा। 23 से 69 3 टाइम डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू आ गया 3, ये x की वैल्यू आ गई। अब हम ऐसे y की वैल्यू निकालनी है, तो y वाला फॉर्मूला यहाँ पर पुट कर देते हैं। y वाला फॉर्मूला होता है हमारा a2c1 -c2a1 अपॉन a1b2 -b1a2। ये y वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पर पुट कर दिया, और इसमें a1b1 a2b2c2 इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। वैल्यू पुट कर दीजिए, a2 की वैल्यू क्या है हमारी 5, तो यहाँ पर 5 पुट कर देंगे। c1 की वैल्यू क्या है -12 आ जाएगा, c2 की वैल्यू क्या है -7, या -7 आ गया। a1 की वैल्यू क्या है 2, यहाँ पे 2 आ गया। अपॉन a1 की वैल्यू 2 अभी रखी थी, और b2 की वैल्यू है हमारी -4, यहाँ रख लेंगे -4। माइनस b1 की वैल्यू क्या है हमारी 3, a2 और a2 की वैल्यू है हमारी 5, यहाँ पे 5। इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 12 5 जा 60, -60, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे प्लस हो जाएगा, 7 2 जा 14, अपॉन 4 2 जा 8, -3 5 जा 15। 60 में से 14 को माइनस घटा देते हैं तो कितना बचेगा हमारा 46 आ जाएगा, माइनस का बचेगा, माइनस का नंबर बढ़ाए तो -46। नीचे वालों को दोनों नेगेटिव हैं, ऐड कर देंगे 15 और 8 23, -23, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 2 टाइम डिवाइड हो गया। तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 2, एक्स की वैल्यू कितनी आई थी 3, ये हमारी वैल्यू आ गई। एक बार दोबारा से समझ लीजिए, जो हमारे इक्वेशंस दिए हुए हैं उनमें जो कांस्टेंट वैल्यू है हमारी वो इक्वल टू के उधर दी हुई है। सबसे पहले उन वैल्यूज को हम इधर ट्रांसफ़र करते हैं ताकि हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो बन सके। स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्रिएट करने के बाद क्या करना होता है हमें, a1 b1 c1 वाला जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है हमारा a1x + b1y + c1 = 0, उससे कंपेरिजन करा देंगे इक्वेशन फर्स्ट का, उससे हमें a1 b1 और c1 की वैल्यू फाइंड हो जाती है। a1 की वैल्यू 2 हो गई, ये b1 की वैल्यू हो गई, ये c1 की हो गई। उसी प्रकार a2x + b2y + c2 = 0 से समीकरण सेकंड की कंपेरिजन करा देंगे, ये हमारी a2 की वैल्यू हो जाएगी, ये b2 की वैल्यू, ये c2 की वैल्यू, तो ये हमारी वैल्यूज आ गई। उसके बाद जो हमारा फॉर्मूला है x = b1c2 - c1b2 / a1b2 - b1a2, इसको रख दिया हमने यहाँ पे, a1b1 a2b2 c1c2 इनकी वैल्यू यहाँ पे हमने पुट कर दी। इनका मल्टीप्लाइज करते हैं, डिवाइड करते हैं, इससे हमारा x की जो वैल्यू है वो फाइंड हो जाती है। उसके बाद हमें क्या करना होता है, y वाला फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर देते हैं। ये y वाला फॉर्मूला पुट किया, इसमें a2c1 c2a1 इनकी वैल्यू यहाँ पे हम सबकी पुट कर देते हैं। वैल्यू पुट करने के बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं, इससे हमें y की वैल्यू फाइंड हो जाती है, ये y की वैल्यू हो गई, ये x की वैल्यू हो गई। अब मैं आपके लिए होमवर्क लिख देता हूँ, ये आपको होमवर्क है आपका। इसमें आपको क्या करना है, इन इक्वेशंस को बजट गोर्डन विधि से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से सॉल्व करना है। यहाँ पे
आप इन्हें इधर ट्रांसफर करके इक्वल टू में जीरो रखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में रखे, आप इन फॉर्मूले जो भी मैंने आपको बताए थे उनका यूज करके इनको सॉल्व करना है। अगर ये विधि एक बार में आपको समझ में नहीं आई हो तो इस वीडियो को आप बार बार देख के समझ सकते हैं। फिर भी आपकी कोई समस्या रहती है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप के कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर भेजना है, और अगर इन क्वेश्चनों में से किसी क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।